नमस्कार कैसे हैं आप लगातार इंदौर को इस देश में सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिलता है योगी चाहते हैं कि नोएडा को अब देश का सबसे सुरक्षित सिटी का तमगा लगातार मिले इसीलिए कभी हाल के दिनों में नोएडा को कमिश्नरी बनाया गया अब योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि नोएडा में कई अलग अलग थाने बने और इसीलिए सिर्फ नोएडा एक्सटेंशन में उन्होंने दो थाने का प्रस्ताव को प्रस्तावित किया है और संख्या बल को देखते हुए नोएडा में पुलिस प्रशासन बढ़ाने का उत्तर प्रदेश जो एक समय में देश में सबसे बड़ा आपराधिक प्रदेश माना जाता था जहां सबसे ज्यादा गुंडागर्दी थी जहां सबसे ज्यादा माफिया थे यहीं पर अतीक अहमद था उसका पूरा कुनबा था यहीं मुख्तार अंसारी था यहीं विकास दुबे था यहीं आजम खान का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रौब था ये सब तो बड़े बड़ी मछलियां थी ना जाने कितने और ऐसे थे जिसके कारण उत्तर प्रदेश में पूरा खौफ था योगी राज में ये सब कुछ खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश में अब देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में ही बन रहा है नोएडा में ही शानदार फिल्म सिटी बन रही है जहां बॉलीवुड अब पानी भरने वाला है लेकिन इसी नोएडा को योगी चाहते हैं कि नोएडा अब देश का सबसे सेफ सिटी बने सिर्फ नोएडा ही नहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी का एक खाका तैयार किया है जिसमें नोएडा संघ सत्रह नगर निगम के लिए प्रथम चरण में प्लान है दूसरे चरण में संतावन जनपदों और मुख्यालय को तीसरे चरण में एक सौ तैतालीस नगर पालिका को दो माह में संतावन नए साइबर क्राइम नोएडा में ही सिर्फ खोले जाने हैं तो समझ जाइए कि योगी की योजना क्या है नोएडा देश की राजधानी दिल्ली के बगल में है नेशनल कैपिटल में एनसीआर में जितने शहर हैं फरीदाबाद नोएडा और गाजियाबाद उसमें नोएडा का अपना एक रुतबा है योगी दिल्ली के बगल में होने के कारण उत्तर प्रदेश के इस शहर की लकीर इतनी लंबी करनी चाहते हैं ताकि उत्तर प्रदेश का राजस्व नोएडा बड़े पैमाने पर दे सके और एक छवि नोएडा की ऐसी बन जाए कि सबसे सेफ सिटी है योगी जानते हैं कि जहां सुरक्षा और सेफ का मामला हो जाता है वहां व्यापारी अपना पूंजी लगाते हैं और जब पूंजी व्यापारी लगाते हैं तो लोगों के लिए उद्योग का माध्यम बनता है अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी आपने सुना होगा योगी की तारीफ करते हुए मोदी यह कह गए जो कोई पीएम आज तक किसी सीएम के लिए नहीं कहा उन्होंने यह कह दिया कि उत्तर प्रदेश सबसे भयावह स्टेट था लेकिन योगी ने उस प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया सुरक्षा का वातावरण कानून का राज विकास की रफ्तार को तेज कर देता है आप यूपी का उदाहरण ले सकते हैं कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है और जब अपराध कम हुआ है तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी के इस दो मिनट के वीडियो ने ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जगाया है और इसी भरोसे के बल पर योगी अब बड़ी लकीर खींच रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का दूसरा सबसे समृद्ध स्टेट में अपने आप को स्थापित कर दिया है जो पीछे से अपना स्थान अब अप पीछे की सीढ़ी पर खड़ा हुआ करता था उत्तर प्रदेश पिछले पांच छह सालों में जिस विकास की रफ्तार को जिस भरोसे को जिया है जो अपराध मुक्त हुआ है उसी से योगी यह भरोसा दिला रहे हैं और इसीलिए योगी कहते भी हैं कि मैं जो कहता हूँ करता हूँ दो दिन पहले योगी का यह बयान बहुत कुछ कहता है और यही उम्मीद जगाता है कि नोएडा देश का सबसे सेफ सिटी बनेगा फिर नोएडा के संग यूपी के कई और जनपद शामिल होंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश देश के लिए मिसाल बन जाएगा यू ही नहीं कोई यूपी के चीफ मिनिस्टर को भारत का भावी मुख्यमंत्री मान रहा है आगे आगे देखिए होता है क्या बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मातरम जय हिंद